हाय एवरीवन, वेलकम टू अरीब डेरीज। आज आप लोगों से मैं मसाला पूरी बनाने का तरीका शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी का पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो इसको ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट कर बताएं आपको किस तरह लगी है ये रेसिपी। मसाला पूरी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक कटोरी फुल काबुली चने ले लिए हैं और 3 बड़े आलू हमने ले लिए हैं और एक प्रेशर कुकर लेकर हम इसमें डाल देंगे, इसको गला लेंगे। 2 से 3 व्हिसिल तक हम इसको रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये अच्छे से गल चुकी है। मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर, ये देखिए और ये गल चुके हैं। अभी नेक्स्ट प्रोसेस, एक पैन ले लेंगे हम, इसमें 1 कप जितना तेल डाल दिया है मैंने। इसके बाद इसके अंदर मैं डालूंगी प्याज, 1 कप जितनी प्याज। इसको अच्छे से सॉटे कर लूंगी पहले। मिक्स करने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है 1 कप जितने टमाटर, उसको भी मैंने सॉटे कर लिया है। उसके बाद मैं 1 टेबल स्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ और अच्छे से इसकी स्मेल जाने तक मिक्स कर लूंगी। और यहाँ पर मैंने हरी मिर्च और हरा धनिया ले लिया है, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। यहाँ पर मैंने लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून जितना इस्तेमाल किया है। नमक आप अपने हिसाब से डालें। और यहाँ पर मैंने चने और आलू को मैश कर लिया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब इन सब चीजों को इसको मिक्स कर देंगे। इस तरह हमने मिक्स कर लिया है और इसमें 1 ग्लास जितना पानी हम शामिल कर लेंगे। इसको भी हमने मिक्स कर लिया है और इसमें हम यहाँ पर हमने ले लिया है 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला, ये भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे। इसको 5 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पर कुक होने के लिए हम रख देंगे। और यहाँ पर देखिए रेडी है हमारा मसाला जो हमने पूरी के लिए रेडी कर दिया है। यहाँ पर हमने एक प्लेट में इसके ऊपर हमने पहले पूरी की लेयर रख दी है और फिर इसके ऊपर हम मसाला डाल देंगे। फिर इसके ऊपर हम दही डाल देंगे और हरी चटनी डाल देंगे। और प्याज डाल देंगे ऊपर से, टमाटर बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे। और लास्ट फाइनली इसके ऊपर डालेंगे सेव। बहुत ही इजी रेसिपी है ये, जल्द से जल्द बन जाती है, तो आप भी ट्राई करें इस रेसिपी को। यहाँ देखिए बनकर रेडी है हमारी मसाला पूरी, बहुत ही टेस्टी और यम्मी, जल्द से जल्द बन जाती है 10 मिनट के अंदर। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब्सक्राइब करना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपको वीडियोस अच्छे लगी हो तो इसको ज़रूर शेयर करें और मुझे कमेंट कर बताएं आपको किस तरह लगी है ये रेसिपी। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।